to my channel. I am Sriyoshi and you're watching my channel Sriyoshi's Tips. तो जैसे मैं हर रोज शेयर करती हूँ ब्यूटी टिप्स, इंटीरियर डेकोरेशन टिप्स और कभी कभी डेली लाइफ टिप्स भी. तो आज की वीडियो की जो टॉपिक है वो है ग्लोइंग स्किन हम कैसे आसानी से पा सकते हैं, क्योंकि अब ज़्यादा गर्मी आ गई है, सनटैन बढ़ रहा है, तो सनटैन हम कैसे रिमूव कर सकते हैं आसानी से और घरेलू प्रोसेस से. तो घरेलू कुछ इंग्रेडिएंट्स है जिससे हमें झट से छुटकारा मिल सकते हैं इस सनटैन से, और जो ग्लोइंग स्किन है वो भी हम पा सकते हैं. तो इसके लिए मैं लूँगी जो मिल्क पाउडर है, मिल्क पाउडर को मैं ज़्यादा मात्रा में मायने रखती हूँ. तो चलिए दिखाते हैं बनाकर, आप सबको दिखाते हैं बनाकर तो कैसे मैं इस पैक को तैयार करती हूँ. तो चलिए देखते हैं. अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मेरे चैनल, और बाजू में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा वीडियो के पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए. मैं यहाँ पर 1 टीस्पून बेसन ले लिया, बेसन 1 टीस्पून बेसन है यहाँ पर, और 2 टीस्पून है मिल्क पाउडर. 2 टीस्पून मिल्क पाउडर के साथ 1 टीस्पून बेसन मैं अच्छे से मिला दूंगी. मैं अच्छे से इसको मिला दूंगी. अब इसमें मैं ऐड करूंगी नींबू. नींबू थोड़ी ऐड करूंगी, ज़्यादा नहीं, 3 या 4 ड्रॉप्स ही ऐड करूंगी मैं यहाँ पर. अब देख सकते हैं ज़्यादा नहीं ऐड करूंगी मैं यहाँ पर. हो गया जस्ट इतना सा, अब देख पा रहे हैं ना, इतना सा ही लिया हूँ. अब इसमें ऐड करूँगी रोज़ वाटर. और इसको अच्छे से मिला दूँगी. इसको अच्छे से मिलाना चाहिए क्योंकि बेसन का कभी कभी बबल्स आ जाते हैं, बेसन का कभी कभी गोटी भी हो जाते हैं या पर रह जाते हैं, वो रहना नहीं चाहिए. तो अच्छे से इसको मिला लीजिए. तो देखिए कैसा क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है, एक क्रीमी क्रीमी सा टेक्सचर आ गया है यहाँ पर. देखिए बेसन का है छोटा छोटा सा बबल्स आते हैं. तो इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए और ऐसे फेस पर, अपने नेक पर, हैंड पर अच्छे से लगा लीजिए. और ज़्यादा नहीं रखना, इसको 5 मिनट्स तक रखना है, और 5 मिनट्स के बाद इसको वॉश करना है नॉर्मल वाटर से. मिल्क पाउडर से बहुत अच्छे से ग्लोइंग स्किन मिल जाते हैं, और मिल्क पाउडर के साथ हम मिले बेसन, और यहाँ पर जो 2-3 ड्रॉप्स मिले है नींबू के रस. तो इसे हम 5 मिनट्स या 15 मिनट्स तक स्किन पर इसको लगा कर रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं यूज़ किया हूँ नींबू के रस, इसलिए इसको ज़्यादा देर तक स्किन पर मत रखिएगा, जस्ट 15 मिनट्स, 5 मिनट्स या 15 मिनट्स, फिर इसको धो लीजिएगा. तो फ्रेंड्स कैसा था आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो ज़रूर कमेंट करके बताना कमेंट सेक्शन पर जाकर, और एक लाइक दीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट और आपके जो लाइक हमें मिलते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. तो ओके, बाय बाय.